अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया वर्सेस फ्रांस 2023। ये कुछ क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है जो कि हमें समझ नहीं लेकिन आई। लेकिन टाइटल में ये है कि कुछ मिलिट्री कंपैरिजन से रिलेटेड है हाँ, ये। और अभी हम लोग इसको देखते हैं इसमें क्या है। और वैसे फ्रांस के साथ इंडिया का कंपैरिजन बनता है या नहीं, नहीं? अब मुझे तो लगता है फ्रांस बहुत आगे होगा क्योंकि फ्रांस एक बहुत पुराना कंट्री है पुराना भी है, और इंडिया भी स्ट्रांग भी पुराना है। है, इंडिया पुराना है बेसिकली। नहीं, लेकिन लेकिन इंडिया हम आफ्टर पे इंडिपेंडेंस अंग्रेज को, हुकूमत कर और रहे थे तब फ्रांस भी बहुत इंडिया था, ज्यादा, लेकिन हाँ, अंग्रेज था इंग्रेज ना। कर रहे थे ना, तो बिल्कुल। जब अंग्रेज छोड़ के गया हमें तो फिर अलग अलग हाँ, करके चला गया। फ्रांस तो, और खैर फ्रांस फ्रांस पुराना ने तो है। बहुत ज्यादा जंगें लड़ी हुई हैं अपने टाइम में। तो खैर चलिए लेट्स मूव, इसको देखते देखते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं आपको क्या लगता है कौन सा कंट्री ज्यादा बेटर है। दोस्तों, अगर भारत के मित्र देशों की बात की जाए तो मित्र वर्तमान समय देश में इसमें हाँ, मतलब दोस्त दोस्त कंट्रीज, इजराइल दोस्त और फ्रांस जैसे देशों का नाम सबसे और पहले आता इसराइल है, जो हम मानते जिनका ही है भारतीय जिसका, हाँ, उसको डिफेंस तो हम फोर्सेस तो को एक्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं करते करने ना में कि काफी ये ज्यादा है भी इस योगदान दुनिया है, में। लेकिन विश्व राजनीति में कोई भी देश किसी दूसरे देश का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं नहीं होता। होता है। रशिया ट्रू, यूक्रेन वॉर राइट। की वजह से पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ हो चुकी है, लेकिन भारत ने रशिया से अपनी पुरानी लंबी दोस्ती की खातिर अभी तक अच्छे संबंध बना रखे हैं। अच्छा, ये एक अच्छी चीज़ है, इंडिया हमेशा ऐसे टाइम पे न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल मैंने हो एक जाता है, एक पहले बिल्कुल। वीडियो में भी बोला था, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, जब, जो कि इमरान खान ने भी किया था, जिसकी हाँ, बेस पे इसको निकाल भी दिया था। और दूसरी बात, जब इंडिया यूएसएसआर और यूएस की जंग थी तब भी इंडिया न्यूट्रल हो गया था न्यूट्रल हो जाता है, और और अच्छी हम बात वापस है। जाते हैं एक साइड हाँ, लेके। हम एक साइड, जब भी हमने एक साइड लिया ना, तब हम खराब हुए हैं। इससे अब दुनिया के कई देश नाराज होने लगे हैं और इनमें अब हाँ, भारत के करीबी मित्र देश फ्रांस का नाम भी जुड़ गया है, और अब नाराज फ्रांस भी में। भारत पर ये दबाव डालने लगा है कि भारत रशिया की कड़े शब्दों में निंदा करे। ऐसे में भारत के सामने अब ये धर्म संकट है कि वह फ्रांस और रशिया में से किसका पक्ष ले, क्योंकि इन दोनों में से ही किसी भी देश के खिलाफ जाना भविष्य में उस देश के लेकिन साथ इंडिया को भारत के रशिया से संबंधों पर फायदा है ना, नेगेटिव ऑयल का असर डाल सकता सस्ते है। डिस्काउंट पे ऑयल रशिया ने मिलता है। जहां इंडिया को सिर्फ ऑयल का ही फायदा है, क्योंकि वैसे भी अगर इंडिया की अगर हम लोग बात करें गंदम वगैरह की, तो उनके पास हाँ, ऑलरेडी बहुत बिल्कुल। है, ये एक्सपोर्ट करते हैं। भारतीय सेना को शुरुआत से ही हर संभव मदद की है, तो वहीं फ्रांस भारत को मॉडर्न जमाने की तकनीक प्रोवाइड कर रहा है, और बेशक फ्रांस से रशिया के लिया है लिए इन्होंने फ्रांस बहुत को कुछ। दरकिनार करने से भारत को कई महत्वपूर्ण डिफेंस तकनीकों से हाथ धोना पड़ सकता है। अच्छा, हालांकि इन तकनीकों के बिना भी भारत विश्व का एक बहुत ही ताकतवर देश बन चुका है, और फ्रांस कई मामलों में भारतीय ताकत के सामने बौना साबित होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन मिलिट्री की वर्तमान फायर पावर के सामने फ्रांस की करंट फायर पावर कितनी है। अच्छा, लेकिन ये वो वीडियो में बेसिकली आगे बढ़ने से मिलिट्री पहले है। मिलिट्री से, आपके लिए एक सवाल, जर्मनी के वर्तमान चांसलर कौन है, ओलाफ शोल्स हाँ, या एंजेला मर्केल? ओल्फ यदि आपको इसका जवाब शोल्स। मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाजम चलिए शुरू करते सब्सक्राइब हैं करने है, हमारे हमारा चैनल चैनल देशों के भी और बीच इनका भी। कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। देखते हैं। चलो बेसिक तो फैक्ट्स फ्रांस क्या एक हैं। यूरोपियन देश है जो कि कुल मिलाकर 0.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का टोटल वर्ल्ड एरिया कवर करता है। छोटा है ना एरिया हाँ, वाइज, एरिया वाइज बहुत एशियन छोटा है। जायंट कंट्री है जो कि 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 32 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन 6 करोड़ 80 लाख के लगभग है। 6 करोड़, दुनिया 7 करोड़, और दूसरा सर्वाधिक ज्यादा पॉपुलेशन एक रखने सौ वाला देश है, चालीस और जिसकी हम 40 करोड़ वर्तमान नहीं, हम जनसंख्या 22 करोड़ 140 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। नॉमिनल जीडीपी की बात ओ, करें तो फ्रेंच जीडीपी लेकिन 3 देखो डॉलर के इतना फिर करीब भी पहुंच वो नहीं चुकी है। है। फ्रांस का वहीं कितना भारत अच्छा की जा रहा है करंट अपनी नॉमिनल पॉपुलेशन के जीडीपी हिसाब से। 3.7 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। डिफेंस स्पेंडिंग में फ्रांस का पिछला डिफेंस बजट तो 45 से 50 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बीच रहा, लेकिन अब ये अगले 6 सालों में करीबन सालाना 70 बिलियन डॉलर के अच्छा, आसपास इंडिया का से खर्चा सिर्फ करने टू की बिलियन का योजना बना चुके हैं। हाँ। तो वहीं भारत ने भी इस साल के लिए अपना डिफेंस बजट 72 बिलियन डॉलर का निश्चित किया अच्छा, है।
इंडिया तो इस वजह से भी ज्यादा करता अपना डिफेंस बजट के, क्योंकि इंडिया हाँ पाकिस्तान की इंडिया तरफ, पाकिस्तान, इंडिया के साथ में जितनी कंट्रीज है उसकी सही से बनती नहीं है ना, चाइना के लाइक साथ भी नहीं पाकिस्तान से, बनती, चाइना के साथ, और बाकी बॉर्डर्स ठीक है, मतलब नेपाल की हाँ लेकिन साइड दो जो पे, मेजर उसके हाँ नेबर्स हैं तो लेकिन उससे बन गई बांग्लादेश है। वाले बॉर्डर पे भी उन्होंने थोड़ी सख्ती रखी हुई होती है, अच्छा बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन हाँ, बॉर्डर्स पे भी थोड़ी बहुत सख्ती होती है। मिलिट्री पावर रैंकिंग में फ्रेंच मिलिट्री दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सेना है, तो वहीं इंडियन मिलिट्री दुनिया की फोर्थ भी आती चौथी है, सबसे ताकतवर लेकिन फौज मैन है। पावर की बात हाँ है कि मैन पावर कितने की बात ज्यादा करें, है बात उससे करें क्या जमीनी ज्यादा। पावर की, तो इस फील्ड में फ्रेंच मिलिट्री के पास कुल मिलाकर 3 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं, हाँ देखा इंडियन इंडिया में मिलिट्री के सारे पास तीन साढ़े लाख चौदह और लाख से भी ज्यादा लेकिन ये एक्टिव। देखो 3 लाख पे वो लोग $70 बिलियन खर्च कर रहे हैं और ये तो 14 लाख 50, और उसमें से भी आई गेस हाँ 6-7 लाख तो नहीं 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 पंजाब गवर्नमेंट रिजर्व वाली नहीं है, इसकी नहीं तीनों नहीं ही रिजर्व ब्रांचों नहीं में है, ये दूसरे मौजूद हैं, हैं। अच्छा मैन बैटल ये टैंक्स की करीबन 400 यूनिट्स फ्रेंच आर्मी के पास हैं, जिसमें से आधे ही एक्टिव बताए चार जाते सौ हैं। ओके टैंक इंडियन आर्मी के पास बस 4,500 से ज्यादा मैन साढ़े साढ़े चार चार हजार सेल्फ हजार प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की जहां 90 यूनिट्स फ्रेंच आर्मी के पास ये बताई जाती चलो हैं, ऑलमोस्ट तो करीबन 100 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास भी हैं। टाउड ओके यानी फील्ड हवेजर्स की महज 12 यूनिट्स ही फ्रेंच आर्मी के पास होने की अब यहीं से संभावना देख है। लो कि इंडिया इंडियन अपने आर्मी के पास डिफेंस बजट पे 300 कितना से ज्यादा ज्यादा स्पेंड कर रहे फील्ड हैं, हवेजर्स मौजूद बट हैं। व्हाई मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की वही करना केवल पड़ता 13 यूनिट्स है ही तो फ्रेंच हम आर्मी बोल के हम पास आसपास रहते हैं, इंडियन आर्मी के पास हम 1500 से आसपास ज्यादा रहते हैं, मल्टीपल खाते भी रॉकेट नहीं है लॉन्चर बजट सिस्टम्स डिफेंस हैं। में लगा देते हैं। इसके बाद हवाई ताकत देखें तो उस ओके फील्ड में ये सभी भी प्रकार के जरूरी, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स फ्रेंच मिलिट्री के पास हैं। ओके लेकिन इंडियन होने मिलिट्री एडवांस है तेईस सौ इनके पास, पचास से ज्यादा सभी लेकिन प्रकार इंडिया के के पास पुराने मिलिट्री बहुत हैं एयरक्राफ्ट्स जहाज। ऑपरेट करती हाँ है, इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की जहां केवल 170 यूनिट्स ही फ्रेंच मिलिट्री के पास हैं। फ्रांस को इंडियन तो मिलिट्री ज्यादा के पास जरूरत नहीं साढ़े है ना पांच सौ उसके, से ज्यादा क्योंकि सारे मल्टी रोल नेशन जेट्स वर्ड्स अवेलेबल पोलाइट्स हैं। हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर और बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स की 70 यूनिट्स ही फ्रेंच मिलिट्री के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास करीबन अच्छा, 120 डेडिकेटेड 120 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की हेलीकॉप्टर 70 यूनिट्स एयरपावर में फ्रेंच एक की तो मिलिट्री के कमी हो पास गई थी बताई शायद जाती दो हैं। साल पहले। इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 130 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वॉरहेड्स 290 से 300 यूनिट्स अवेलेबल हैं। इंडिया के पास 160 न्यूक्लियर पावर में भाई वो बहुत आगे है, बहुत पहले बन गया था। इसके बाद देखें नेवल पावर, नेवल तो इस पावर फील्ड में ओके बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की केवल एक यूनिट्स जहां फ्रेंच नेवी के पास हैं। इंडियन नेवी के पास कैरियर वो जिससे जहाज वगैरह उड़ा सकते हैं, हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 3 यूनिट्स फ्रेंच नेवी के पास हैं। इनके पास नहीं है कोई हेलीकॉप्टर कैरियर फिलहाल नहीं है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 10 यूनिट्स फ्रेंच नेवी के पास है। इंडियन नेवी के पास 11 हैवीली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर शिप्स अवेलेबल हैं। फ्रेंच नेवी ऑपरेट करती है 11 बहुत ही शानदार और घातक फ्रिगेट्स। इंडियन नेवी 12 फ्रिगेट्स ऑपरेट कर रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सारी सेम हैं तकरीबन, फ्रेंच नेवी के पास फिलहाल नहीं है। इंडियन अच्छा। नेवी के पास 19 कॉर्वेट शिप्स एक्टिव हैं। फ्रेंच नेवी 9 सबमरीन्स ऑपरेट कर रही है। अच्छा, तो इंडियन नेवी के पास फिलहाल सेवनटीन एक्टिव सबमरीन्स बताई जाती है। सो फ्रेंड्स, ये रहा वर्तमान आंकड़ों के आधार पर इंडियन मिलिट्री की पावर के सामने फ्रेंच मिलिट्री की करंट फायर पावर। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं? अच्छा, मजे की चीज जो हाँ। ये है कि तकरीबन मतलब जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक के पास नहीं है दूसरे के पास है, दूसरे के पास है हाँ। तो उसके पास नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो मैच भी कर रही हैं बिल्कुल उसमें। मैच कर रही उसमें हैं। वो जो आप वाली बात है कि जो आप बोल रही हो कि ये एक फ्रांस पुराना कंट्री है तो इस हाँ। वजह से उनके पास हाँ। वो चीजें ज्यादा हो सकती फ्रांस हैं। जो है वो बहुत पहले न्यूक्लियर पावर बन गया था, और दूसरा ये कि अभी जो कुछ टाइम पहले यूएस और फ्रांस का एक एग्रीमेंट होना था हाँ कि नेवल उससे रिलेटेड हाँ सबमरीन टाइप से रिलेटेड कोई होना था ऑकस नाम से, लेकिन वो जो है यूएस ने फिर इंडिया के साथ कर लिया, तो जिसकी वजह से अब फ्रांस यूएस से भी नाराज है, अच्छा और इस वजह से ये भी बीच सीन भी में चल थोड़ा रहा है। सीन हो रहा अच्छा है ये सीन भी चल रहा है। तो हाँ खैर ये ज्यादा ये जो यूक्रेन और रशिया रशिया की वॉर वॉर जो है ना उसके बाद नाराजगियां तकरीबन अमेरिका की बहुत सारे कंट्रीज की हाँ हुई हैं, यूरोपियन कंट्रीज की बहुत सारे लेकिन डिफरेंट अभी कंट्रीज के साथ देखो हुई खुद भी हैं। तो ये जो कंट्रीज है फ्रांस हो गया या यूएस खुद खुद भी आपस तो में नहीं
हाँ आके खुद, लड़ेंगे ना हाँ यूक्रेन के लिए, यही यही लेकिन बात वो है, दूसरों को बोलते तुम करो तुम करो हाँ तुम करो तुम तुम करो, करो, लेकिन खुद नहीं आगे हाँ खुद होते, आगे नहीं आ रहे। खुद ना जंग करते हैं, रशिया के साथ आगे होके जंग हाँ करने के लिए भी खुद, कोई नहीं होता, और उस और तरह की फिर वो किसी, वीक कंट्रीज को आगे कर देते हाँ हैं कि तुम लोग करो, प्रेशर तुम डालो उनके प्रेशर ऊपर। डालो, हाँ क्योंकि या तुम लोग उनसे चीजें खरीदने बंद कर दो हाँ ताकि उनकी उनकी तो इकोनॉमी जो है लेकिन ना वो क्यों डाउन कोई हो। ना खरीदे, अगर रशिया कम अभी पैसों में आपको पाकिस्तान ने ऑयल यही दे किया रहा है, ना, पाकिस्तान ने पाकिस्तान का भी यही तो फायदा भी किया चल ना, रहा है रशिया के साथ। चल रहा है, लेकिन जब हम जिस टाइम पे हम लोगों को चाहिए था हाँ फ्यूल चाहिए था, जिस टाइम पे हम हाँ लोगों को मिल सकता था कम पैसों में फ्यूल, उस टाइम पे हम लोगों ने नहीं बाय किया, लेकिन बिल्कुल। इंडिया ने खरीदा। हाँ इंडिया, इंडिया हमेशा न्यूट्रल हाँ रहता है, न्यूट्रल रहे कि और इंडिया ने खरीदा, लेकिन जब हम लोगों ने नहीं खरीदा तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ही वो हो यूं गया, था सिस्टम, और यूं ठप और कर उसकी दिया, वजह से उल्टा अब कर दिया, हम जो है वो दिन ब बहुत दिन डाउन नीचे ही जाते होते जा जा रहे रहे हैं। हैं। खैर वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी, मजे बिल्कुल की थी, इंटरेस्टिंग थी, और तकरीबन मैच कर रही थी सारी की सारी बिल्कुल। चीजें, कम किसी को ये नहीं कह हाँ सकते कि एग्जैक्टली एक कि ये चीज, एक साथ हालांकि बस। ये बाद में बना और फिर भी उसके हाँ लेवल तक है, लेवल बिल्कुल, भी नहीं हम लोग ऊपर मतलब कह कंप्लीट सकते कहीं हैं। ना कहीं हाँ कर रहा है इंडिया फ्रांस को, हाँ जो कि बहुत अच्छी चीज अच्छी है चीज है। के। तो खैर वीडियो अच्छी थी, हाँ अच्छी थी, हम हम आप लोगों को मजा आया। रिएक्शन कैसा लगा और लाजिम अगर आप लोगों बताने। को अच्छा लगेगा तो हम इसी तरह की एक वीडियो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मिलिट्री डिफेंस पे बनाएंगे। ये भी हो सकता है। हाँ खैर एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।